नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रेशम खान और स्वागत है आप सभी का सियासी हलचल में। राहुल गांधी की इमेज में बीते एक दो सालों में जो बदलाव आया है वो पूरे देश ने देखा है, वही जनता ने इसे महसूस भी करा है और कांग्रेस उनको जननायक मान रही है, वही पूरा विपक्ष उनकी तारीफ कर रहा है और भाजपा को सत्ता खोने का डर सता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि राहुल गांधी में इतना बदलाव आया कहाँ से? वो राहुल गांधी जिन्हें भाजपा पप्पू साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाया करती थी, आज कैसे भाजपा उसी राहुल गांधी से खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है? दरअसल राहुल गांधी में आए इस बदलाव के पीछे तीन औरतों का हाथ है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और राहुल गांधी के पीछे तो तीन तीन औरतों का हाथ है। तो सबसे पहले तो उनकी माँ सोनिया गांधी, जिन्होंने हर कदम पर राहुल गांधी का साथ दिया, चाहे बीमारी के दौरान राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में पद यात्रा करना हो या फिर सांसदी जाने के बाद, घर जाने के बाद राहुल गांधी का सपोर्ट करना और उन्हें अपने घर रखना। वहीं दूसरे नंबर पर है उनकी बहन प्रियंका गांधी, जो अपने भाई की बहादुरी पर हमेशा ही गर्व करती है और उनकी सजा पर खुद भी जेल जाने को तैयार रहती है और हर अच्छी बुरी स्थिति में उनके साथ खड़ी रहती है। वहीं राहुल गांधी की जिंदगी में जो तीसरी महिला है उनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो और शायद ही उनके बारे में कोई जानता हो। दरअसल ये जो तीसरी महिला है उनका नाम है स्टेफनी कटर, और ऐसा माना जाता है कि इसी महिला से मुलाकात के बाद राहुल गांधी एक मुखर नेता के तौर पर सामने आए। और वही आपको बता दें, 2021 में राहुल गांधी की स्टेफनी कटर से मुलाकात हुई। वही स्टेफनी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की कैंपेन मैनेजर रह चुकी है, यानी कि ओबामा के चुनाव प्रचार में सबसे बड़ा योगदान स्टेफनी का ही था। वही ओबामा को अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने में भी स्टेफनी कटर का बड़ा हाथ रहा है, और उस वक्त स्टेफनी कटर और राहुल गांधी की मुलाकात भी अमेरिका में ही हुई थी। वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कटर ने उस वक्त राहुल गांधी को एक सलाह दी थी, और वे सलाह ये थी कि आप ध्रुवीकरण वाली राजनीति करिए, यानी कि किसी भी मुद्दे पर अड़े रहिए, क्योंकि आप सबको खुश नहीं कर सकते, इसलिए आप अपना एक आधार बनाइए और उस पर डटस्थ रहिए। वही स्टेफनी का दिया हुआ यही फॉर्मूला अब राहुल गांधी के काफी काम आ रहा है, और कई बार आप सभी ने राहुल गांधी को ये कहते हुए भी सुना होगा कि ये असली राहुल गांधी है, मैंने पुराने राहुल गांधी को कपका मार दिया। यानी कि जो राहुल गांधी अब हमारे सामने है वो असली राहुल गांधी है, यानी कि नए है। जहां राहुल गांधी के ऊपर मीम्स बना करती थी, उनके बयानों को काट छाट कर वायरल करा जाता था, लेकिन आज जब वे बोलते हैं तो उनके बयानों पर डिबेट होती है, और इसकी वजह स्टेफनी का ये मंत्र ही माना जाता है, जिसकी वजह से राहुल गांधी पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बेहतर मुद्दे और अच्छी विचारधारा के साथ काम करते हुए नजर आते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जहां भाजपा अपने वही पुराने एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राहुल गांधी सिर्फ जनता के मुद्दों को पकड़ कर चल रहे हैं, और फिर चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा, राहुल गांधी इन्हीं मुद्दों पर डटे हुए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी अब जननायक बनकर उभर रहे हैं। जहां भारत जोड़ो यात्रा के पहले उन पर किसी को विश्वास तक नहीं था, वहीं अब विपक्ष के लिए राहुल गांधी एक उम्मीद बन गए हैं। वहीं आप सभी को याद होगा कि पहले सवाल पूछा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन, पर अब इस सवाल का जवाब मिलने लगा है, क्योंकि जनता अब राहुल गांधी को मोदी के विकल्प के तौर पर देखने लगी है। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।